आज यहाँ लखैया लीला है और ये गोस्वामी जी का शुरू हुआ लीला है। आज से 450 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी ने इस लीला का मंचन शुरू किया था इसी घाट से। और हमसे लोग पूछ रहे थे कैसे होगा लीला, बाढ़ भी है, तो हम कहे भाई देखिए हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, गंगा जी जाने और भगवान कृष्ण जाने, तो आप देख लीजिए भगवान ने सब कर दिया। लीला स्थल को भी आज एक तरह से 2 बजे करीब गंगा जी ने दिया है लीला के लिए, तो हम लोग कृष्ण मानते हैं कि भगवान कृष्ण इसमें यहाँ पर उपस्थित रहते हैं इस लीला में, और वो ग्रेस वो आभाप सब देखेंगे इसमें। विलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभो तस्यां विशिद्ध मन विच्छन सर्पम तम उद्वासित, मतलब एक समय यमुना का जल ऐसा था कि उसके ऊपर से पक्षी भी उड़ के नहीं जा पाते थे। और भगवान कृष्ण को जब ये मालूम हुआ तो गेंद खेलने के बहाने वो गए, काली मर्दन किया। अच्छा, इतना विषैला सांप होने के बाद भी उन्होंने उसको मारा नहीं, एक उचित जगह उसको उपलब्ध कराया, तो उसी का आज मंचन है। भगवान कृष्ण आज यही कदम की डाल कहते हैं, ये कदम का पूरा पेड़ है जो कि संकट मोचन मंदिर से मैन्युअली आता है और रीरेक्ट होता है इस घाट में, और इसी से भगवान आज कूदेंगे। आज गंगा जी का स्वरूप भगवती यमुना का होगा और उसमें फिर आपका जो लीला होगा उसको आप देखिएगा, मतलब वो एकदम रोमांचित करने वाला लीला होता है, ये प्रसंग कहीं इस तरह से होता नहीं। और क्या समय होता है गुरुजी? ये भगवान 4:40 पर कूदेंगे और उसके बाद काली नाग के साथ बाहर आएंगे और पूरा दर्शन देंगे, पूरे इस परिफेरी में दर्शन देके फिर उसका लीला समाप्त होगा। तो अभी तो इसके पहले गेंद वगैरह खेलेंगे, फिर सुदामा उनसे हट करेंगे कि आपने गेंद हमारा यमुना में फेंक दिया, जाके लाइए, ये जानते हुए उसमें सबसे विषधर नाग उसमें रहता है, तो वो बेसिकली वो कंस का ट्रैप होता है कि भगवान कृष्ण को किसी तरह वो खत्म करे। तो वो कृष्ण जी तो सब भाई सब लीला उनकी है, वो सब जानते हैं, तो वो गेंद के बहाने जाते हैं और काली नाग को वहां से उद्वासित करते हैं। जी अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम तृप्ति शर्मा है। आज नाग नथैया की लीला है, किस प्रकार से आप इसको देखती? इसको तो हम ऐसे हर साल हम देखने के लिए आते हैं यहाँ पे, जो कि महंत जी जो स्वामी तुलसीदास जी के समय से चला हुआ ये लीला आ रहा है और इसको महंत जी जो अभी करवाते हैं, हम लोग इसको वही देखने के लिए आते हैं। आज के दिन भगवान जो गंगा जी जो है यमुना जी बन जाती हैं और जो कृष्ण भगवान कालिया नाग का यमुना में जाके अंत करके वो अपने सखाओं का गेंद ला के वापस कर देते हैं। आप कितने वर्षों से इस लीला को देख रहे हैं? हम आ रहे हैं इसको बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। तो कैसा लगता है लीला को देखने का अनुभव, कैसा रहता है? लीला को देखने का अनुभव होता है कि बहुत बढ़िया लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग आज के दिन वृंदावन में ही, मतलब काशी जो है पूरा वृंदावन बन गया है और वृंदावन में ही हम लोग लगता है और ये लीला को देख रहे हैं, एकदम उसी के जैसा लगता है हम लोगों को।